जानकी चिट्ठी। जानकी चिट्ठी से यात्रा शुरू होती है यमुनोत्री की। आप लोगों को यहाँ पहुँचना पड़ेगा। यहाँ के लिए रोड है, यहाँ तक आता है रोड। आगे की यात्रा जो है वो 6 किलोमीटर की है। अब बात आती है कि यहाँ जानकी चिट्ठी पहुँचना कैसे है। सो आप लोगों ने क्या करना है, ऋषिकेश से सीधा द्रासू पहुँचना है, गंगोत्री वाले रास्ते पर। द्रासू से दो रास्ते गढ़ते हैं, एक जाता है गंगोत्री की तरफ और दूसरा जाता है बरकोट और यमुनोत्री की तरफ। आपने बरकोट से राइट टर्न लेके अपने स्याना चट्टी हनुमान चट्टी होते हुए यहाँ पर पहुँच जाना है। आपको पहुँचने के लिए ऋषिकेश से पूरा एक दिन लगेगा यहाँ तक। मैं देख रहा हूँ कि जो यंग लोग हैं वो घोड़ों पर ज़्यादा बैठ रहे हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है पैदल चलने में, और जो बुज़ुर्ग हैं वो बहुत अच्छे से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। अच्छा, अपने पास से फिर भी कुछ ना कुछ बता देंगे आपको। अच्छा, कब से रह रहे हो यहाँ? हमें हो गया तो ये सीधा हम 6 महीने रहते हैं। अच्छा, कभी कभार ना। अच्छा, एक महीना का सीजन रहता है, फिर हम निकलते रह जाता है। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मंजीत है। मंजीत मंजीत। और ये जो आपकी पालकी है, इसका आप कितना चार्ज लेते हो? इसका सर देखो, कोई सवारी देख के हल्का भारी मतलब लगा दो, तुम्हारा भारी सवारी का मतलब ऐसे 3,000-4,000। अच्छा, आने जाने का होता है ना। अच्छा, हल्का सवारी का बच्चे बच्चे का कभी 2,000-2,500 ऐसे लेते हैं। अच्छा, घोड़ों का कितना है इधर जो मांगते हैं? घोड़ों का तो 2,500 है आने जाने का। घोड़ों का 2,500 है। और जो ये जो चार लोग उठा रहे हैं, पालकी उठा रहे हैं उसका? और पालकी अभी वर्ड देखिए, कभी 8,000-10,000-5,000-7,000 ऐसे लेते हैं वो लोग। ये जिस पगडंडी पे मैं चल रहा हूँ, ये पहाड़ को काट कर बनाई गई है, उस पर हम लोगों ने यात्रा के लिए आगे बढ़ना होता है। और साथ में जो है यमुना रिवर जा रही है, हम भी इसी रोड पे चलते हैं। यहाँ ट्रैक करते करते आपको बहुत खूबसूरत व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। जैसे देखिए, मेरे पीछे वो वाटरफॉल है और पीछे जो है पहाड़ी है, अभी मैं वीडियो में दिखा दूँगा। पीछे जो पहाड़ी है वहाँ पे आपको स्नो नज़र आ जाएगी। तो नीचे जो है वो रिवर यमुना जा रही है, तो आपको बहुत सुंदर व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे इस रास्ते। लोग जब भी यात्रा के लिए चलिए तो अपने पास रेनकोट ज़रूर रख लें, ताकि जब कभी बारिश हो जाए, वैसे तो यहाँ बारिश होती रहती है, मौसम का कुछ पता नहीं होता, सो अपने पास रख लें आप लोग रेनकोट। कहाँ से हो भाई आप? नेपाल से है भाई। नेपाल से बहुत है ना? हाँ जी। तो खाली जा रहे हो आप लोग? हाँ जी, यात्रा नहीं है, आप लोग सब लोग पैदल चलते हैं तो कहाँ से भेजेंगे? अच्छा, मुझे को बोल रहा है ये। हाँ, वैसे आप मुझे उठा नहीं सकते? सकते हैं भाई जी, नहीं कुंटल ले जाते हैं। कुंटल लेके चल जाते हैं यार, पैसे बड़े मांगते हो। बट मैं चलता नहीं हूँ, पैदल ही चलता हूँ, क्योंकि मैं तो पैदल चलने के लिए आया हूँ। ऊपर खड़ी चल रहे हैं ना भाई साहब? अच्छा, और यहाँ से आपका एक ब्रिज है बगल में, वहाँ से लगता है आपका खड़ी चढ़ाई। हाँ, तब वो एक्चुअली वो खड़ी चढ़ाई में चल जाते हैं तो आदमी थक जाते हैं ऊपर ही। चलो कोई नहीं, बुजुर्गों के लिए ठीक है, बट मेरे जैसे यंग लोगों के लिए तो पैदल ही अच्छा है। युवा के लिए तो ठीक है पैदल भी। एक बात का ख्याल रखें कि जब आप ऊपर चढ़ रहे हो तो जो डोली वाले हैं वो बहुत तेज़ी से ऊपर से आते हैं और लाइन बना कर आते हैं, सो उनसे बच कर चलना है और घोड़ों से भी बच कर चलना है। चढ़ाई बिल्कुल सीधी हो गई है एकदम से, अब 2 किलोमीटर ऐसे हमें सीधी चढ़ाई पर चढ़ना है। अभी पीछे देख लीजिए, मेरे जो यमुनोत्री है वो मंदिर दिखाई दे रहा है, तो अभी हम वहाँ पर जाएंगे। ये बड़ा तंग सा बाज़ार है जब मंदिर की तरफ जाते हैं, यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी और प्रसाद वगैरह सब यहाँ से मिल जाएगा। इस मंदिर का इतिहास ये कहता है कि इस मंदिर को टिहरी गढ़वाल के राजा प्रताप शाह ने बनवाया था, और उसके बाद जो जयपुर की महारानी थी, जयपुर की महारानी ने इस मंदिर को यहाँ पर बनवाया था। जब हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं तो एक कथा मिलती है कि यहाँ पर माता यमुना ने तपस्या की थी। तपस्या उन्होंने यहाँ पर इसलिए की थी ताकि उनके भाई जो यम थे, उन पर जो छाया थी उसका शाप था, उससे मुक्त करवाने के लिए माता यमुना ने यहाँ पर तपस्या की थी। तो माता यमुना के भाई यम ने उन्हें वरदान दिया था तपस्या से खुश होकर कि धरती पर जल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आप ज़मीन पर ही रहें। तो ये जगह जो है ये माता का स्थान हो गई तब से। मैं मंदिर से थोड़ा सा आगे निकल आया हूँ यमुना रिवर के पास में।
आप लोग पीछे देख लीजिए, कलिंद की पहाड़ियाँ हैं, बड़ी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर नीचे तो भीड़ है, बट जब आप ऊपर देखोगे ना, पहाड़ियों को देखोगे, तो मतलब बहुत ही आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर शोर बहुत है, शायद से आवाज़ कम आ रही हो। मेरे पीछे जो है वो हनुमान मंदिर है, और हनुमान मंदिर से आगे है जो वो कुंड है, गर्म पानी का कुंड, और उससे आगे जो है वो माता यमुनोत्री का मंदिर है। एक बात का दुख होता है मुझे कि पीछे देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा गंदगी है यहाँ पर। उम्मीद नहीं थी मुझे कि यहाँ पर गंदगी हो सकती है, क्योंकि यमुना रिवर जो है वो यहीं से निकलती है, ऊपर ग्लेशियर से निकलती है, पर यहाँ इतनी गंदगी होगी मैं यकीन नहीं कर सकता। लोग इधर आते हैं, आकर बॉटल्स वगैरह होगी, कपड़े हो गए, इसके अलावा जो कुछ भी खाते हैं वो यहाँ गिरा देते हैं नदी में। पीछे सफाई की गई है नदी की, पर यहाँ से इस कचरे को उठाया नहीं गया है। तो बड़ा दुख होता है ऐसी जगहों पर जहाँ हम इतना मतलब पैदल चलकर आते हैं, इंसान की पहुँच से दूर है ये जगह, इंसान यहाँ पहुँचा तो गंदगी फैला दी उसने। नीचे से काफ़ी ज़्यादा चलकर मैं ऊपर तक आ गया हूँ। मेरे पीछे देखिए ये ग्लेशियर है, यमुना रिवर जो है वो यहाँ से निकलती है और नीचे जाती है, पांवटा साहब से होकर फिर दिल्ली, दिल्ली के बाद ये उत्तर प्रदेश से होकर आगरा के पास में, ताजमहल के पास में से होकर पहुँच जाती है ये प्रयागराज। प्रयागराज में इसका संगम होता है इलाहाबाद में, गंगा रिवर के साथ में।